आज के इस आधुनिक युग में लड़कियां भी लड़कों से पीछे नहीं हैं, वहीं लड़कियां भी लड़कों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश के विकास में आगे बढ़ रही है और जल थल वायु में भी लड़कियां नए कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं। कुछ ऐसा ही कारनामा परमाणु की साक्षी कोछर ने कर दिखाया है। आपको बता दें कि साक्षी कोछर भारत की सबसे कम उम्र की कमर्शियल पायलट बन गई है। बता दें कि साक्षी ने 18 वर्ष की आयु में कमर्शियल पायलट बनने का लाइसेंस हासिल किया और देश की सबसे कम उम्र की CPL होल्डर बनने का गौरव प्राप्त किया है। इस मौके पर साक्षी ने बताया कि वे अपनी कामयाबी से बहुत खुश हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि इसके पीछे उनकी कड़ी मेहनत और परिवार का सपोर्ट रहा। आपको लाइसेंस जो मिला है वो आप अब देश की सबसे कम उम्र वाली पायलट बन गई हैं। तो आप कैसा अनुभव कर रहे हैं? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा। ये सब मैं अपनी फैमिली की वजह से कर पाई हूँ, अपने मेंटोर की वजह से कर पाई हूँ, अपने इंस्ट्रक्टर्स की वजह से कर पाई हूँ, तो मैं सबको उसके लिए थैंक यू भी बोलना चाहूँगी। आपने यही लाइन कैसे चुनी, या आपका बचपन से ही इस और रुझान था? क्योंकि कोई डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS बनना पसंद करते हैं, आपने बहुत टफ जो फील्ड है वो चुनी है, क्योंकि ये जो फील्ड है कोई आसान नहीं है बनना पायलट। तो कैसे विचार बना आपका पायलट बनने का? मेरे बचपन से ऐसा था कि मुझे डांस करने का बहुत शौक था, तो तब तो मुझे ये लगता था कि शायद मैं बड़े होके इसी फील्ड में जाऊंगी। पर धीरे धीरे मेरे को ऐसा लगा, जब भी मैं किसी को TV पे देखती थी, कि मुझे कुछ बड़ा करना चाहिए इससे, कुछ ऐसा कि सबको मेरे ऊपर प्राउड फील हो पाए, मेरे पेरेंट्स को, मेरी फैमिली को, मेरी कंट्री को। तो इसलिए मैंने ये सोचा कि मैं इसे कुछ बड़ा करूँगी। और बचपन से मुझे ट्रैवलिंग करने का बहुत ज़्यादा शौक था, तो इसलिए मेरे को ऐसा लगा कि ये फील्ड मेरे लिए बेस्ट रहेगी, तो इसलिए इसको मैंने अपना एज अ करियर चूज करा। अभी आपका फ्यूचर में क्या प्लान है? जैसे जो अभी आपको लाइसेंस मिला है उसमें आप किस किस तरह के जो विमान है वो उड़ा सकते हैं, और फर्दर आपकी क्या प्लानिंग है? अभी जो मुझे लाइसेंस मिला है वो US का लाइसेंस है, तो अभी मैं इसको इंडियन लाइसेंस में कन्वर्ट करवाऊंगी और उसके बाद मैं किसी भी एयरलाइन में जॉब ले सकती हूँ। तो मैं सबको यही बोलना चाहूँगी कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप पहले से डिसाइड कर लो कि आप करना क्या चाहते हो। ऐसा होता है कि कुछ बच्चों को किसी चीज़ में इंटरेस्ट होता है, बट उनके पेरेंट्स उन्हें ऐसा बोलते हैं कि नहीं, ये चीज़ मत लो, ये चीज़ करो। मैं पेरेंट्स को भी बोलना चाहूँगी कि जिस चीज़ में उनके बच्चे का इंटरेस्ट है उन्हें उसे उसी चीज़ में भेजना चाहिए। अगर बच्चा वो चीज़ करेगा जिसमें उसको इंटरेस्ट है, तो डेफिनेटली वो सक्सीड करेगा और वो भी सबका नाम रोशन करेगा। तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि अगर कुछ भी पॉसिबल है, अगर आप पूरी मेहनत से उसे करो, पूरे डिटर्मिनेशन से, और पूरे अगर आप उस चीज के लिए परसिस्टेंट हो, तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। वहीं साक्षी की कामयाबी पर परिवार के सदस्य बहुत खुश हैं, जिस पर उन्होंने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि उन्हें साक्षी पर बहुत गर्व है। आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा फील हो रहा है, और मतलब शुरू से ही था इसको कि पायलट बनना है, तो काफी गर्व में होता था कि कर पाएगी नहीं कर पाएगी, कैसा रहेगा। मैं भी बहुत चिढ़ाता था पहले कि बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत मुश्किल है करना, बट इसके मन में था, लगन थी, तो कर गई। और एक तरह से मेरा चढ़ाना मे बी पॉजिटिव ही इसके लिए रहा है। बहुत अच्छा फील कर रही हूँ मुझे। मैं छोटी सी प्यारी सी बिटिया हरण साकी बने जिंदगी पैरेंट बनकर बहुत खुशी हुई, बहुत फील कर रही हूँ, बहुत प्राउड हूँ अपनी बहन पे। और इनकी सबसे अच्छी बात यह है कि किसी चीज़ में हेजिटेट नहीं करते, जो इनको करना है वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ करते हैं। तो काफ़ी अच्छी जर्नी रही है इनकी, बहुत इन्होंने कठिनाइयों का सामना भी किया, बट हमेशा डट कर सामना किया और आज यंगेस्ट पायलट है। गौर हो कि साक्षी कोछर ने जहां इस उपलब्धि को हासिल करते हुए लड़कियों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया, वहीं देश की सबसे कम उम्र की कमर्शियल पायलट बन देश और प्रदेश का नाम भी रोशन किया है। पंजाब केसरी TV के लिए सोलन से सीमा कौशल की रिपोर्ट।